और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और बस जल चढ़ाने का एक नियम है शिव जी का। शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है दुख काटने के लिए, तकलीफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने का जो नियम है। जैसे ये गौल जलाधारी है, यहां से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है, ये दो जो भगवान का पानी जहां बहकर जाता है ये गोल में से, तो यहां जो स्थान है ये सीधे भाग पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां अशोक सुंदरी है, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामलीबारी, दौतली और देव। जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं, तो उस जल को चढ़ाने का नियम है पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठी का, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिवजी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं और बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूं कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर, और बाबा से विनय करता हूं। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में यह बताया गया है कि यदि आपको बहुत कष्ट हैं, दुख हैं, आप उनको मिटाना चाहते हैं, तो आप शिव जी पर जल चढ़ाना आरंभ करें। शिव जी पर जल चढ़ाने का एक नियम है जो गुरु जी ने इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, वीडियो में आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का वास है। 7 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 10 बजे तक भगवान विष्णु का वास होता है। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास प्रारंभ होता है। 11:30 के बाद में पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास होता है। आहूत जानते हो, जो बच्चे गर्भ में शांत हो जाते हैं, 6 महीने के बाद शांत हो जाते हैं और कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, उनको आहूत कहा जाता है। फिर पीपल के वृक्ष में वासुकों का वास चालू हो जाता है। अग्नि पुराण का संवाद है। वासुकों का वास के बाद में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान शंकर का वास चालू हो जाता है। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 8 बजे से 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वास होता है। इसलिए दीप को 9 बजे जो पीपल के पेड़ के नीचे घी का और एक तेल का दिया लगा देता है, उसके यहाँ कभी संपदा की कमी नहीं होती। शंकर जी ने 7 बार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। निया में पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चीटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा
जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये तीन चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिन दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता। वीडियो में बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में किस किस समय कौन कौन से देवी देवता का वास होता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ लक्ष्मी की कभी कमी ना हो तो आप रात्रि के 8 बजे से 9:30 बजे के बीच पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दिया और एक तेल का दिया लगाना आरंभ करें। आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पीपल के वृक्ष में कुबेर का वास होता है, जिससे आपके यहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, कमेंट और